सही है इस तरह। प्रश्नावली हमारा बच्चे 7.5 है, प्रश्नावली आपका 7.5 है और कई नंबर पर हूँ मैं, इंटीग्रेशन है आपका 2x-3 और यहाँ पर लिख दिया है आपका x²-1 है और यहाँ लिखा हुआ है 2x+3 इंटू लिख दिया है dx। अब इसको मानना है हम लोगों को लड़के, इसको हम लोग मानेंगे, माना 2x-3 यहाँ बच्चे इस तरह दिया हुआ है x²-1 और ये लिख दिया है 2x+3, इसको और तुम हल कर लो, इसको 2x-3 कर लो, x-1 कर लो, x+1 कर लो और 2x+3 कर लो, बराबर हो जाएगा ये बटा में कितना हो जाएगा x-1, बी बटा में हो जाएगा x+1 और सी बटा में हो जाएगा 2x+3। हो गया इतना, फिर इसे हल कर दोगे आप तो 2x-3 यहाँ से हो जाएगा x-1, x+1 हो जाए, ये हो जाएगा 2x+3 हो जाएगा और इसका एलसीएम ले लो बच्चे, x-1 हो जाएगा, x+1 हो जाएगा और फिर हो जाएगा 2x+3, x-1 से कट जाएगा तो बच जाएगा आपका पास कितना x+1 और बच जाएगा बच्चे कितना 2x+3 प्लस, यहाँ से इसको ले लोगे तो खत्म हो जाएगा तो बी हो जाएगा x-1 और 2x+3 प्लस सी हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा x-1 और x+1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कटने के बाद बच्चे x-2x-3। अब देखो यहाँ से जैसे हम लोग मान निकालने वाला वो प्रोसेस निकाल दे, जैसे कि x बराबर, जैसे मान लो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x-1, तो -1 लिखा है तो x बराबर पछाता कर दोगे तो 1 हो जाएगा, तो 1 हो जा रहा है वैसे ही लगा लेंगे, ये आ जाएगा ये x+1 हो जाएगा, 2x+3 हो जाएगा और फिर बच्चे बी हो जाएगा x-1 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा आपको 2x+3 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा सी x-1 और x+1 हो जाएगा, मुश्किल आ जाएगा। x=1 x=-1 दो थे तो मान निकल जा रहा है उस तरह, -1 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा, होगा ना, ये भी 0 हो जाएगा तो ये वाला मान निकल जाएगा और x=-1 पर ठीक, ये 0 नहीं हो रहा, चलो तब गुणा कर लो 2x-3 यहाँ से हल कर दोगे तब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा कर दो तो 2x² हो जाएगा +3x+ हो जाएगा 2x+ हो जाएगा 3, ये हो जाएगा बी बच्चे, इसका गुणा कर दोगे तो 2x² + हो जाएगा 3x- हो जाएगा 2x-3 प्लस हो जाएगा सी x²-1 हो जाएगा। अभी से और बच्चे तो 2x-3 = ये हो जाएगा ए, यहाँ हो जाएगा बच्चे कितना 2x² 5x और +3 हो जाएगा, बी हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 2x² + x-3 प्लस सी हो जाएगा x²-1। अब बच्चे यहाँ से 2x-3 हो जाएगा, अब तो नहीं ना कुछ है, गुणा कर लीजिए तो देखो 2ax² 5ax हो जाएगा 3a प्लस हो जाएगा 2bx²
बी एक्स और माइनस थ्री बी और प्लस बचे सी एक्स स्क्वायर माइनस सी। अब फिर यहाँ से लिखोगे टू एक्स माइनस थ्री, तो यहाँ से लेकर आओ एक्स स्क्वायर वाले को, तो टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, टू बी एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये ना होगा, और प्लस सी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक उसी तरह प्लस हो जाएगा बच्चे, फाइव ए एक्स हो जाएगा, फिर प्लस बी एक्स हो जाएगा। और तो नहीं ना है, बोलो अब तो नहीं ना है। फिर उसी तरह आपका हो जाएगा थ्री ए, और ये हो जाएगा माइनस का थ्री बी, और माइनस का हो जाएगा सी। यहाँ से बच्चे हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री, यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर काम कर लो, तो टू ए प्लस टू बी प्लस हो जाएगा सी, यहाँ से एक्स कामन ले लो तो फाइव ए प्लस हो जाएगा बी, यहाँ तो कुछ कामन नहीं है, थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस सी। तो यहाँ लिखोगे बच्चे एक्स स्क्वायर कामा एक्स और कामा अचर पद, अचर पद गुणांक, गुणांक की तुलना करने जाएंगे आप, तुलना तो तुलना करने जा रहे हो, तो देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक तो इधर है ही नहीं है, तब जब एक्स स्क्वायर का गुणांक नहीं है तो टू ए प्लस टू बी प्लस सी बराबर जीरो, समीकरण नंबर एक कर लीजिए। उसी तरह बच्चे ये देखो फाइव ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा, ये समीकरण नंबर दो हो जाएगा। और फिर अचर पद वाले में थ्री ए माइनस थ्री बी माइनस सी बराबर कितना हो जाएगा बच्चे, माइनस का तीन हो जाएगा, माइनस का तीन हो जाएगा। यहाँ से इसको और हल कर देंगे तो कुछ तो करना पड़ेगा ना बच्चे, देखो इसी को सी को इधर पछांतर कर दो, तीन को इधर पछांतर कर दो, यहाँ से हल कर दोगे तो थ्री ए माइनस थ्री बी बराबर, इसको पछांतर कर दोगे तो प्लस का तीन बराबर हो जाएगा सी, ये हो जाएगा समीकरण नंबर तीन। समीकरण नंबर तीन का मान समीकरण नंबर एक में रख दीजिए यहाँ पर, हो जाएगा ना, उसके बाद इसे हल कर लेंगे। तो आप लिखेंगे क्या चीज़ बच्चे, समीकरण तीन का मान, ठीक है ना, समीकरण तीन का मान समीकरण एक में, तो समीकरण टू ए टू बी प्लस सी बराबर जीरो है, तो टू ए प्लस टू बी और प्लस थ्री ए माइनस थ्री बी प्लस का थ्री बराबर जीरो बच्चे। अब इसको हल कर देंगे, देखो बच्चे ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव हो जाएगा, होगा ना, ऐसे घटा देंगे तो माइनस का भी है, उसको पछांतर कर देंगे, समीकरण नंबर कितना हो गया, चार हो गया बच्चे। यहाँ देखो फाइव ए प्लस बी लिखा है कि नहीं लिखा है, ए भी प्लस में वो भी प्लस है, तुम क्या कर दें, घटा दे रहे हैं। आप लिख दीजिएगा समीकरण चार में से समीकरण किसको, दो को घटाने पर इसको घटा दोगे, फाइव ए माइनस बी माइनस का तीन हो जाएगा, और ये हो जाएगा तुम्हारा फाइव ए, और फिर प्लस का हो गया बी बराबर दो हो गया। तो घटाने जा रहे हो ना बच्चे, कौन नहीं, तो सेकेंड इक्वेशन में यहाँ फाइव ए प्लस है ना, और फोर्थ वाला भी तुम्हारा कहाँ है, फाइव ए प्लस, फाइव ए दोनों बराबर है ना, तो दोनों धनात्मक इस वजह से मैं घटा रहा हूँ, अरे समझ में ना। अभी माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा ना, माइनस यहाँ चल जाएगा, माइनस टू भी हो जाएगा, माइनस का फाइव हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा कितना, पाँच बटा में हो जाएगा। अब फिर हम लिख देंगे बी का मान, तो लिखेंगे बी का मान बचे, बी का मान कहाँ, समीकरण नंबर दो में रख दीजिए, तो फाइव ए है यहाँ पर, बी है बच्चे, बराबर हो जाएगा तुम्हारा दो, तो यहाँ से फाइव ए ये हो जाएगा पाँच बटा में दो, दो हो जाएगा, अब ये हो जाएगा फाइव ए, इसको पछांतर कर दीजिए, पछांतर होगा ना, तो पछांतर हो जाएगा तो दो माइनस पाँच बटा में दो, यहाँ से एक, तो यहाँ फाइव ए इजिकल टू दो दुना के चार पाँच हो जाएगा दो, तो फाइव ए इजिकल टू कितना हो जाएगा, माइनस वन बाई टू, मतलब ए बराबर हो जाएगा माइनस वन बाई टू और इंटू फाइव, तो ए बराबर हो जाएगा माइनस वन बाई कितना हो जाएगा, टेन हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे ए और बी का मान, ए और बी का मान किसने रख दें, समीकरण नंबर एक में, तो ए हो जाएगा बच्चे टू ए प्लस, टू ए प्लस टू बी प्लस सी बराबर जीरो है लड़के, तो टू ए इंटू माइनस वन बाई टेन हो जाएगा,
टू इंटू बी, बी का मान कितना है, पाँच बटा में दो है ना, बोलो ये ना है, और प्लस सी बराबर जीरो। चुप रहो बच्चे, पाँच दुना के दस, दो से दो कट जाएगा, माइनस पाँच हो जाएगा ना, प्लस पाँच, और प्लस का सी बराबर जीरो, यहाँ एक कर लीजिए, आओ अभी हो जाएगा पाँच माइनस वन पचास पच्चीस बराबर है, प्लस सी बराबर जीरो हो जाएगा, इसे घटा दोगे तो कितना हो जाएगा, चौबीस, चौबीस बटा पाँच बराबर माइनस का सी, तो यहाँ से सी बराबर हो जाएगा माइनस चौबीस बटा पाँच, ये बराबर कर दिया क्या लोग जाए, इतना हो गया बच्चे, ये कर लिए ना मान, आप याद रखिएगा। अब जब इतना हो गया है तो आगे देखेंगे, यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ, फिर से आप उतारेंगे यहाँ से, अब इसको लिखेंगे यहाँ से, तब तब अब यहाँ से जब हल करने जाओगे तब इंटीग्रेशन लिख दोगे, टू एक्स माइनस थ्री हो जाएगा, एक्स माइनस वन एक्स प्लस वन, और ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री आई टू हो जाएगा, ठीक है। अब इंटीग्रेशन बचे, ए का मान कितना निकला बताइए, माइनस एक बटा में दस ना, आई बटा में एक्स माइनस वन हो गया, प्लस ये हो गया है कितना बचे, पाँच बटा में दो न, और एक्स प्लस वन ये हो गया है माइनस चौबीस बटा में पाँच, टू एक्स प्लस कितना हो गया थ्री इंटू हो जाएगा, अब इसको पुराने फॉर्म में लिख दो, टू एक्स माइनस थ्री, इसको हल कर दोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वन ये हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री, इसमें तो कोई दिक्कत ना है, ए माइनस बी और ए प्लस बी लिखा हुआ है, अब इंटू डी एक्स हो जाएगा, अलग अलग कर लीजिए, ए इंटीग्रेशन जब इसको करने जाएंगे बच्चे तो माइनस का एक बटा में दस कोष्टक में एक्स माइनस वन हो जाएगा, और प्लस हो जाए इंटू बच्चे हो जाएगा डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन पाँच, ये हो जाएगा दो कोष्टक में एक्स प्लस वन इंटू डी एक्स, ये बच्चे हो जाएगा इंटीग्रेशन माइनस चौबीस बटा पाँच टू एक्स प्लस थ्री इंटू हो जाएगा। अब इसको और हल कर दोगे तो ये वाला कांस्टेंट हो जाएगा ना, बाहर ले लीजिए तो माइनस एक बटा में दस इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन इंटू डी एक्स हो जाएगा, पाँच बटा में दो हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स प्लस वन हो जाएगा इंटू डी एक्स, प्लस से माइनस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, चौबीस बटा में पाँच हो जाएगा बच्चे, और एक बटा में हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब इसको हल कर दोगे तो माइनस एक बटा में दस ये हो जाएगा लाग मार्ड में एक्स माइनस वन हो जाएगा, बोलिए होगा कि नहीं होगा, प्लस उसी तरह हो जाएगा पाँच बटा में दो बचे, और ये हो जाएगा आपका लाग हो जाएगा मार्ड एक्स प्लस वन हो जाएगा। अब या तो तुम इसको डायरेक्ट लिख लो, डायरेक्ट लिखने का मतलब यह हो जाएगा कि लाग हो गया टू एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, लेकिन टू के साथ यह है टू एक्स के साथ लगा हुआ है, और तुम मानना चाहोगे तो मानो, नहीं तो पहले ही तुम्हें सिखाया गया है यदि ये टर्म है और इसका तुम समाकलन करने जाओगे तो ये कहाँ चला जाता है, बट्टा में चला जाता है। अब यहाँ से हल कर दोगे तब तो यहाँ से हल कर दोगे लड़के तो अब इंटू हो जाएगा एक बट्टा में कितना हो जाएगा दो हो जाएगा, ठीक है ना बच्चे, तो यहाँ से हल कर दोगे तो एक बट्टा में हो जाएगा दस लाग हो जाएगा एक्स माइनस वन हो जाएगा, पाँच बटा में दो हो जाएगा लाग हो जाएगा एक्स प्लस वन हो जाएगा, और ये बच्चे यहाँ से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा बारह, तो माइनस बारह बटा पाँच हो जाएगा, लाग हो गया टू एक्स प्लस थ्री, और प्लस का कितना हो जाएगा सी हो जाएगा, यही आपका क्या है आंसर। और आ गया मैं कितने पर बच्चे ग्यारह नंबर ना, इंटीग्रेशन लिखा है ग्यारह नंबर में, फाइव एक्स लिखा है एक्स प्लस वन लिखा है, और इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस चार लिख दिया इंटू डी, इसको जब हल करने जाओगे
इसको लिख दो ऐसे कि 5x हो जाएगा, देखो x प्लस 1 हो जाएगा, और इसको एक कोष्टक में x माइनस 2 हो जाएगा, दूसरे में x प्लस 2 हो जाएगा, इनटू dx हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यहाँ से मान लेंगे हम लोग, माना क्या चीज, 5x बटा में x प्लस 1 लिख दो, x माइनस 2 लिख दो और x प्लस 2 लिख दो, बराबर ये हो जाएगा, ये बटा में x प्लस 1 हो जाएगा, b हो जाएगा x माइनस 2 हो जाएगा, c हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, होगा ना। फिर यहाँ से 5x ये हो जाएगा x प्लस 1, ये हो जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा 2, x प्लस 2, आइए इसको हल कर दोगे x प्लस 1 x माइनस 2 और x प्लस कितना हो जाएगा 3, होगा ना। अब यहाँ से भाग कर देंगे तो x प्लस 1 खत्म हो जाएगा, तो ये हो गया x माइनस 2 x प्लस 3 हो जाएगा, b हो गया है खत्म हो गया है, x प्लस 1 हो जाएगा और x प्लस कितना हो जाएगा बच्चे 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ हल कर दोगे तो ये सी से ये वाला कट जाएगा x प्लस 2 ना, कहाँ गया, हाँ सॉरी 2 रहेगा ना, ये खत्म हो जाएगा, तो सी x माइनस 2 है और x प्लस 1 है। आई बात समझ में, यहाँ से क्या हो जाएगा, कट जाएगा ये 2 है, यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा 5x ए हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 बच्चे, x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस b हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, c हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इतना बोलो ना। तो यहाँ पर तो तुम चाहोगे वो वाला टर्म लगाना तो लग जाएगा बच्चे, देखो यहाँ पर हम x बराबर क्या x प्लस 1 लिखा, तो x प्लस 1 बराबर 0, मतलब ये कहने का मतलब x पर 1 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 यदि हम रख देते हैं तो एक का मान निकल जाएगा, चलो इस बार उसी तरह लगा देता हूँ, x बराबर माइनस 1, तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणते माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 प्लस का 2 प्लस का हो जाएगा बी, माइनस 1 प्लस का 2 हो जाएगा x प्लस 2 हो जाएगा, c हो जाएगा माइनस 1 2 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस का 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 5 लड़के हो जाएगा 1 गुणते माइनस का 3 गुणते कितना हो जाएगा 1, ये हो गया 0, ये हो गया 0। अब यहाँ से और हल कर दोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा कितना, ये बराबर हो जाएगा माइनस 5 बटा में माइनस का 3 कट गया ना, ए बराबर हो जाएगा 5 बटा में, कोई दिक्कत। फिर x बराबर देखिए ये क्या लिखा है, x माइनस 1 x माइनस 2 लिखा है, पछांतर कर दोगे तो x बराबर 2 हो जाएगा, तो लिखिएगा x बराबर 2, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेना, क्या मान लोगे, सॉरी रुक जाओ हाँ चलो ठीक, x बराबर 2 किसमें, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, तब यहाँ से लिख दोगे लड़के तब कितना हो जाएगा, कहाँ मान लिया इसको मानना, ये हो जाएगा तुम्हारा 5 गुणते 2 हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा ए 2 माइनस 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बी, ए हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर 2 प्लस 2 हो जाएगा प्लस सी, 2 माइनस 2 हो जाएगा 2 प्लस 1 हो जाएगा, अभी हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 3 4 दें 12, बी गुणते कितना हो जाएगा 12 प्लस हो जाएगा 0, यहाँ से मान निकाल दोगे तो बी बराबर हो जाएगा 10 बटा में कितना 12, ये 5 2 5 का 10 2 6 12, तो यहाँ से बी बराबर हो जाएगा 5 बटा में 6 हो जाएगा, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है, अच्छा ठीक। अब लिख देंगे, अब क्या रखने पर देखो, अब इसको रखेंगे माइनस 2, लिखोगे क्या चीज़, समीकरण नंबर 1 में x बराबर माइनस 2, माइनस 2 रखोगे तो 5 गुणते माइनस का 2 बराबर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 2 2 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा बच्चे b, ये हो जाएगा क्या चीज़, वो माइनस का 2 प्लस का 1 हो गया है, माइनस का 2 प्लस का 2 हो गया है और प्लस का हो गया तुम्हारा कितना c, सी में आ जाओगे तो माइनस का 2 माइनस का 2 और फिर हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस का 10 हो गया बच्चे, ये 0 हो गया,
ये भी कितना हो जाएगा जीरो, प्लस हो जाएगा सी माइनस का चार गुण से माइनस का वन हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का दस, ये हो जाएगा चार सी हो जाएगा मतलब फोर सी, यहाँ से हल कर दोगे तो सी बराबर कितना हो जाएगा दस बटा में चार, तो सी बराबर हो जाएगा पाँच, ये तो पाँच बटा में कितना हो जाएगा दो हो जाएगा। आई बात समझ में? अच्छा ठीक है, माइनस का ये हो जाएगा, ठीक है सारी पहले यहाँ तो। अब लड़के इसके आगे देखो, हम लोग मान निकाल लिए हैं ना बच्चे, इसके मान आगे निकाल लिए हैं, मान निकाल लिए तो तब लिखेंगे, उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन कर लेंगे, आई पे कर लेंगे, एक्स प्लस वन कर देंगे, एक्स माइनस टू कर देंगे और एक्स प्लस टू कर देंगे, और ए का मान कितना निकाले हो आप, ए का मान बोलो कितना निकाले हो, ए का मान फाइव बाई टू है, थ्री वन हो गया ना, और फिर यहाँ से कितना है तुम्हारा बी का पांच बटा में छ, एक्स माइनस टू हो गया है ना, और फिर इसका माइनस पांच बटा में तो एक्स प्लस दो इन टू हो गया है, ठीक है इसे और हल कर दोगे बच्चे तो अलग अलग कर लो सबका, ये हो जाएगा तुम्हारा पांच बटा में तीन इंटीग्रेशन हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, पांच बटा में छ हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू इंटू डी एक्स हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा पांच बटा में दो हो जाएगा, वन बटा में एक्स प्लस टू हो जाएगा इंटू डी एक्स हो जाएगा, यहाँ से हल कर दोगे तो पांच बटा तीन हो जाएगा बच्चे लाग हो जाएगा, एक्स प्लस वन हो जाएगा, और फिर हो जाएगा पाँच बटा छः हो जाएगा लाग हो जाएगा, मॉड में एक्स माइनस दो हो जाएगा, पाँच बटा दो हो जाएगा और लाग में मॉड एक्स प्लस टू हो जाएगा, और प्लस का बच्चे क्या लिख देंगे सी, यही आपका आंसर है, कर लीजिए।